हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि कैसे आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना कर जाओ। एंड इस वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद जो नीचे आपका प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, नीचे राइट हैंड साइड में, वहाँ पर जाना है। तो यहाँ आपका प्रोफाइल में आने के बाद जो ऊपर राइट हैंड साइड जो थ्री डॉट दिख रहा है, इसमें जाना है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो सेटिंग्स ऑप्शन है इसमें जाना है। तो इस पेज में जो नीचे से थर्ड जो ऑप्शन है, हेल्प ऑप्शन है, तो हेल्प में जाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हेल्प सेंटर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है। तो हेल्प सेंटर में आने के बाद जो ऊपर राइट हैंड साइड थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पर जाना है। तो इस पेज में देखिए मैनेज योर अकाउंट जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, तो इसमें जाना है। यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाना है। अब इस पेज में देखिए डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें जाना है। देखिए यहाँ पर कोई भी डिलीट योर अकाउंट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले एक ऑप्शन था डिलीट योर अकाउंट बोल के, इंस्टाग्राम से ये हटा दिया गया है। तो अभी आप लोगों को टेम्पोरली डीएक्टिवेट योर अकाउंट जो पहला ऑप्शन है, इसमें जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप फॉर आईफोन, तो इस ऑप्शन के नीचे देखिए डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट एक लिंक दिख रहा है, तो इसमें आप लोगों को जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए जो ऊपर जो एंड्रॉयड ऐप हेल्प जो दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करना है आप लोगों को। तो इस यहाँ पर नीचे जो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जो नीचे से सेकेंड वाला ऑप्शन है मोबाइल ब्राउज़र हेल्प, तो इसमें आप लोगों को जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए नीचे जो instagram.com फॉर मोबाइल ब्राउज़र, यहाँ पर आप लोगों को जाना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, लिंक आ रहा है डिलीट योर अकाउंट, तो इस यहाँ पर आप लोगों को जाना है। तो यहाँ पर आप क्यों इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो इसका कारण आप लोगों को आपसे पूछेगा यहाँ पर। तो ये कारण बहुत सारा यहाँ पर कारण दिया हुआ है, कोई भी एक चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएटेड ए सेकेंड अकाउंट चूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट का पासवर्ड भी पूछ रहा है, आपका अकाउंट का पासवर्ड भी यहाँ पर देना है, पुट करना है। तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरा अकाउंट का पासवर्ड दे दिया हूँ। एंड नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट आपका अकाउंट का आईडी बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है। तो उससे पहले देखिए ऊपर एक मैसेज दिया हुआ है इंस्टाग्राम से कि आपका अकाउंट अगर आप आज ही डिलीट करते हो तो आपका अकाउंट इंस्टेंटली डिलीट नहीं होगा, वो एक महीने के बाद परमानेंटली डिलीट होगा। एंड इसके बीच में अगर आपका माइंड चेंज हो जाए, आप फिर से अकाउंट का आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करते हो, तो अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा, जो डिलीट का प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से एक्टिव हो जाएगा अकाउंट। और बीच का एक महीने में आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से हिडन रहेगा, कोई भी दूसरा आईडी से आपका अकाउंट नहीं दिखेगा। तो चलिए डिलीट ऑप्शन में प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए और एक पॉपअप आ रहा है, फिर से इंस्टाग्राम से कॉन्फर्मेशन कर रहा है कि आपका अकाउंट डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पर ओके कर देने से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, मतलब डिलीट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक महीने के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, थैंक यू।